सिर्फ मनीषा की वजह से भी नहीं खड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं अगर 90% मनीषा का योगदान है तो 5% मेरा होगा कि नहीं होगा। आप ही है। मेरे भी इसको बोलना भी नहीं आता था ना। कैमरा फेस करने के पहले, गुड मॉर्निंग बोलने से पहले भी ये 3 बार प्रैक्टिस करती थी। फिर मैं जा करके से फेम मिला मनीषा की वजह से, लोग बोलते हैं आगे बढ़ा। नो डाउट मनीषा की वजह से ही आज ये चैनल खड़ा है। लेकिन शुरू होता है, ठीक है जो भी होगा तुम एकदम ऑनेस्टली बोलो कैमरे के सामने, क्योंकि झूठ कुछ नहीं बोलना। तुमको जो लगता होगा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग से अच्छे हो तुम बोलो, कोई भी इसमें मैनिपुलेटिव नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, तुम अपने अकॉर्डिंग बोलना। और मैं जहाँ गलत होऊंगा वहाँ पे तुम हमको रोक देना। 2 साल की ना, 1.5-2 साल हो गए होंगे। 1.5-2 साल पहले क्या, हम लोग कुछ पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, उसी बीच मनीषा को कोई, तो 1.5-2 साल पहले मनीषा को कोई पर्सनली आकर के मेरे बारे में कुछ बोल देता है ना। सही बात यही है, क्योंकि हम लोग उसके पहले तो सचिन का कहना था कि हम लोग के बीच लगभग 2 साल से बहुत झगड़ा लड़ाई हो रहा था। शक की वजह से मनीषा सचिन पे शक करती थी, अब किसको लेके शक करती ये तो नहीं पता। लेकिन वहीं में मनीषा का कहना है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गए थे, कहीं पे भी जाते थे तो मुझे नहीं बोलते थे कि चलना है। वहीं पे सचिन का कहना है कि मैं मनीषा को इसलिए कहीं नहीं लेके जाता था कि मनीषा का सब कान भरेंगे और हमारे बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा। लेकिन मनीषा कहती थी कि पहले ये मुझे ले जाने के लिए बोलते थे कि तुमको चलना ही है, लेकिन ये अचानक से बदल गए तो कोई भी शक करेगा ही। लेकिन सचिन का ये कहना है, मैं तो सोचा था सब यूट्यूब छोड़ के और मैं सब बेच बाज के अलग ही एक दुनिया बसा लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। वहीं पे मनीषा का फेस देखा गया कि रो रो के उसका पूरा मुंह सूज गया था। मनीषा को देख के बहुत अच्छा लगता है। सचिन मनीषा की जोड़ी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। भगवान ना करे इनकी कभी जोड़ी टूटे। और आप लोग भी दुआ करिएगा कि सचिन मनीषा हमेशा एक साथ रहे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।